चुरा मेरी मज्ज पम्मट कण वर मणि सिखा पदंग मी चुरा मेरी मज्ज पम्मट कण वर मणि सिखा पदंग मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है हमारे समण संघ की हमारा जो कॉन्सेप्ट है साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं मुख्य जो बिंदु है जुड़ना और जोड़ना है जो कॉन्सेप्ट का मूल सार है वो जुड़ना और जोड़ना है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि समण संघ के जितने भी सदस्य यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखते हैं वो संगठनों की बुराई करते हैं ऐसा हमारा मकसद नहीं है कि हम लोग संगठनों की बुराई करते हैं हम संगठनों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि आपने आज तक जो कार्य किया है उस कार्य से जिस मकसद के लिए आपने संगठनों का निर्माण किया उस मकसद का हम आज तक पूर्ति नहीं कर पाए और आप उन संगठनों को उसी पुराने ढर्रे पर चलाते आ रहे हैं इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना कोई काम करता है या किसान किसी खेत में कोई अपनी फसल बोने का काम करता है अगर उस फसल बोने में उसे कहीं कमी रह जाती है और वो बार बार उसी काम को करता रहता है लेकिन वो फसल उसको अच्छी परिणाम नहीं दे पाती तो उस किसान को कुछ ना कुछ उसमें ऐसे पदार्थ डालने होते हैं कुछ ऐसे खाद डालने होते हैं ताकि उसकी फसल जो है वो अच्छी आनी शुरू हो जाए लेकिन किसान अगर वही गलती बार बार करता रहेगा बार बार करता रहेगा उसमें पैसा भी लगाता रहेगा मेहनत भी करता रहेगा लेकिन उसको परिणाम नहीं मिलेगा तो किसान को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अब अपनी खेती को अपना जो एक कार्य है उसको किस प्रकार से अंजाम देना वही बात हम इस समण संघ के माध्यम से हमारा जो प्रश्न है वो संगठनों से यही प्रश्न है कि आपने अब तक जो काम किया है वो जिस ढर्रे पर आपने काम किया है लोगों से चंदा लिया और चंदा लेकर के आपने अपनी नेतागिरी चमकाने का जो काम किया है उससे हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप अपने काम करने का जो तरीका है जो अब से 2500 साल पुराना एक तरीका हुआ करता था संघ संघ शक्ति वाला हम संघे शक्ति की परिकल्पना इन संगठनों को बताना चाहते हैं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग संगठनों को हम गाली दे रहे हैं हम संगठनों को चंदाखोर बता रहे हैं कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं जब हमारी मीटिंग होती है तो उस पर कमेंट्स भी करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम लोग संगठनों को केवल बुरा बता रहे हैं हो सकता है कि संगठनों ने जो अब तक काम किया है उससे कुछ परिणाम आए हो जागृति हुई हो लेकिन संगठनों का निर्माण किस बात के लिए किया गया संगठनों का निर्माण किया गया कि जो बाबा साहब डॉक्टर ने हमको जो संविधान में हमारे लोगों को अधिकार दिए थे उन अधिकारों को बचाने के लिए और आपने संगठनों का निर्माण किया हमारी सुरक्षा के लिए और हमें उन अधिकारों को बचाने के लिए उन अधिकारों को दिलवाने के लिए लेकिन आज तक वो अधिकार ना तो आप सुरक्षित कर पाए ना उन अधिकारों को हमें दिला पाए इसीलिए हम संगठनों को ये बताना चाहते हैं कि जो समण संघ जो संघ की परिकल्पना थी इस संघ की परिकल्पना को दुनिया के सभी देशों ने अपनाया आप सोवियत संघ को अगर देखें तो सोवियत संघ की जो परिकल्पना थी जब वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर उसकी देखें तो सोवियत संघ पंद्रह पंद्रह जो स्टेट्स का एक समूह हुआ करता था और जैसे शीत युद्ध शुरू होता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध शुरू होता है उन्नीस सौ नब्बे इक्यानवे के आसपास सोवियत संघ बिखर जाता है और बिखरने के बाद में जब तक सोवियत संघ संघ की परिकल्पना थी उसके नाम के साथ लगा है सोवियत संघ जब तक उसके अंदर वो संघ की परिकल्पना थी तो सोवियत संघ दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था और जब शीत युद्ध के बाद अमेरिका से शीत युद्ध हुआ और उसके बाद जब उसकी शक्ति बिखर जाती है तो एक केवल रूस बनकर के रह गया वो सोवियत संघ शब्द जो है वो संघ शब्द उससे खत्म हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका जो पचास राज्यों का एक संघ है और पचास राज्यों का संघ होने के बाद भी आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है जिस दुश्मन से हम लड़ने की बात करते हैं उसकी परिकल्पना देखिएगा कि जो संघ की परिकल्पना थी जो हमारी परिकल्पना थी जो हमारे पूर्वजों की परिकल्पना थी जो भगवान बुद्ध की से पहले की जो परिकल्पना थी संघ की एक साथ जुड़ने की परिकल्पना थी उसे जिस दुश्मन से हम लड़ने की बात करते हैं उसने अपना संघ का निर्माण किया और उस संघ का निर्माण करने के बाद उसी ढर्रे पर उसी तरीके पर वो अपने संघ को चला रहा है और देश पर राज कर रहा है इसीलिए हमें अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है अपने आप को बचाना है तो हमें एक जगह इकट्ठा ही होना पड़ेगा बार बार ये बताया जाता है झाड़ू का उदाहरण दिया जाता है बार बार चींटियों का उदाहरण दिया जाता है अरे हम कितने भी कार्य करते हैं हम अगर शादी विवाह भी करते हैं तो अगर एक लड़का और लड़की को हम ये अनुमति देते हैं कि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो उसके लिए भी हमें समाज को इकट्ठा करना पड़ता है तो जब हमारे सभी काम जो सुचारू रूप से और स्वस्थ तरीके से होते हैं वो इकट्ठा होने पर ही होते हैं तो जब हमें इस देश में हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है अपने भविष्य को सुरक्षित करना है अपने आप को सुरक्षित इस देश में रहने के लिए तैयार करना है तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा इकट्ठा होने की यही परिकल्पना है संगठनों ने जो आज तक लोगों को पे सोसाइटी का जो मतलब बताया उन्होंने बताया कि आप हमें पैसा दो या आप समाज को पैसा दो और उस पैसे से हम आपके अधिकार बचाएंगे संगठनों ने यह परिकल्पना बताई लेकिन जब हमने अप्रैल 2018 को देखा कि कहीं वहां पर पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी लोग अनायास ही एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सड़कों पर उतरे और उतरने के बाद जो एक अधिकार हमारा गया था वो केवल इकट्ठा होने के अनुसार ही वो बच पाया क्योंकि सरकार को भी ये सोचना पड़ा कि ये लोग घरों से निकल चुके हैं और उसका कोई नेता भी नहीं था ये आप देख सकते हैं उसका उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या किसी नेता ने किसी संगठन ने उसकी आवाज उठाई कि हमें सड़कों पर उतरना है और जब जो अपना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो एक हमारा पन्ना जो संविधान से फट गया था उसको बचाने के लिए किसी नेता ने नहीं कहा किसी संगठन ने नहीं कहा लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि उसके रहने के बाद भी हमारे लोगों पर इतना अत्याचार होता है जब रहने के बाद इतना अत्याचार होता है तो अगर वो पेज को अगर उस अधिकार को हमारे को निकाल दिया जाएगा तब हमारा क्या हाल होगा क्यों क्यों होगा क्योंकि दुश्मन जो होता है वो जिसके साथ अत्याचार करता है वो उसका पूरा विश्लेषण करता है उसके बारे में पूरी जानकारी करता है आज हमारे लोगों के साथ कहीं भी अगर हमें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है तो वो ये देखता है कि ये लोग संगठित कितने हैं आज हमारे जो संगठन के लोग हैं बार बार सुधीर राज इस बात को बताते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति किसी के साथ हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है हत्या हो जाती है तो वो उस नेता जितने भी जितने भी भी लोग हैं संगठन के नेता लोग हैं वो इकट्ठा होकर के नहीं जाते जब इकट्ठा होकर के नहीं जाते तो जो जिसने अत्याचार किया है वो देखता है कि ये लोग अलग अलग आ रहे हैं जब ये लोग अलग अलग आ रहे हैं जिसमें अपना आप ही फूट है ये हमसे क्या लड़ेंगे अगर वो सभी नेता लोग एक साथ अपनी चार चार गाड़ी लेकर के अपने साथ पचास पचास सौ सौ लोग लेकर के अत्याचार तो कि नहीं किया जा सकता लेकिन हम संगठनों ने क्या किया कि वो जाकर के अपने अपने फोटो खिंचवाते हैं फोटो खिंचवा करके अखबार में बड़ी बड़ी न्यूज देते हैं और अपना बहुत अच्छा फोटो लगाते हैं और ये होड़ लगी रहती है कि इस इस जो मुद्दे पर मैंने काम किया और मैंने बचाने का काम किया ताकि मेरे से लोग जुड़े और मुझे लोग चंदा दें ये चंदे का जो धंधा हमारे संगठनों ने अपना लिया इससे लोगों ने चंदा तो दिया हमने भी दिया आपने भी दिया सभी लोगों ने दिया और मैं समझता हूं कि आज भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी चंदा दे रहे हैं लेकिन भाई अधिकार कौन बचाएगा तुम अधिकार बचाने की बात करते हो तुम कहते हो कि हमको पे करिएगा और पे हमको पैसा करिएगा जब हम पैसा आपको देते हैं तो अधिकार कौन बचाएगा इसलिए हम संगठनों को आगाह करना चाहते हैं कि जो संकल्पना संघ की संकल्पना थी एक साथ जुड़ने की संकल्पना थी आप लोग सब एक साथ जुड़िएगा और हमें जोड़ने का काम करिएगा जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो जो दुश्मन है वो हम पर अत्याचार नहीं कर सकता इसीलिए जो हमारा जो देश है वो भी एक संघ की परिकल्पना पर है वो भी सभी राज्यों का एक संघ है जब संघ है तो हमें भी संगठित होना ही पड़ेगा और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से शिकार होते रहेंगे शिकार शिकारी की बात कही कि हमें शिकार होना है या शिकारी बनना है शिकारी हम तभी बन सकते हैं जब हम लोग इकट्ठा होंगे एक बार इसी प्रकार से मुर्गे इकट्ठा हुए लेकिन मुर्गों ने उनमें भी टूट फूट थी चार मुर्गे एक तरफ इकट्ठा होगी चार एक तरफ इकट्ठा होगी मुर्गों ने मुर्गे खाने वालों से बात करनी चाहिए कि यार इनसे बात करें मुर्गे खाने वालों से कि वो हमको खाना बंद करें भाई हमारी जनसंख्या कम हो रही है लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं थे चार अलग थे चार अलग थे वो जाकर के मुर्गे खाने वालों से बात करते हैं कि भाई हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है हम पर बहुत अत्याचार हो रहा है कि आप मुर्गा हमारा हमारे हमारे लोगों को खाना बंद कर दीजिएगा तो मुर्गा खाने वाले उनसे कहते हैं कि भाई आप ये बताइएगा देखिए मुर्गा खाने की जो बात है मुर्गे काटने की बात है वो तो फैसला हो चुका है आप तो केवल ये बताइएगा कि आपको किस मसाले में तला जाना है तो आज दुश्मन हमको मसाले में तलने की बात करता है क्यों क्योंकि वो जानता है कि हम लोग इकट्ठा नहीं है और जब हम इकट्ठा हो जाएंगे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं इस देश में सिख हैं इस देश में जाट हैं और बहुत सी ऐसी बिरादरी हैं जो इकट्ठा हैं लेकिन उनके साथ तो अत्याचार नहीं होता वो जनसंख्या में भी हमसे कम है तो हमारे लोगों के अंदर जब तक ये एक साथ इकट्ठा होने की संकल्पना नहीं आएगी तब तक हम इस देश में सुरक्षित नहीं हो सकते आज हमारे लोगों के हमारे बच्चों के भविष्य पर खतरा है आज हम पर खतरा है हम जो बड़े बड़े मकानों में बड़ बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं जिस तरह से तालिबानी तालिबानी इन्होंने यहां कहने का काम किया तो ये तालिबानी ही एक तरह से तालिबानी व्यवस्था जो है एक दिन आपके घर में घुस जाएगी क्योंकि आपके आप इकट्ठा नहीं होगी आप समझते हो कि हम घर मकान बना करके हम बड़े बड़े महल बना करके हम सुरक्षित हैं जब इकट्ठा नहीं होंगे तो ये घर मकान भी आपसे छीन लिए जाएंगे इसलिए हमको एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा और जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को नहीं बचा सकते इसलिए हमें जब जब इकट्ठा होंगे तब तक हम बचेंगे और जैसे जैसे इकट्ठा होंगे वैसे वैसे हम लोग बचेंगे बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे पूर्वजों ने सबने लोगों को गांव गांव जाकर के इकट्ठा होकर के उपदेश दिए उनको इकट्ठा किया उनके अंदर विचारधारा का प्रभाव किया उन्हें बताया कि हमारी संकल्पना क्या है इसीलिए हमें उसी संकल्पना पर आना पड़ेगा और हम इकट्ठा होंगे तो अवश्य है वो दिन दूर नहीं कि इस देश में हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे और जो हम चाहेंगे वो होगा क्योंकि जो एक बहुत बड़ा समूह होता है उस समूह की तरह सब देखते हैं जब समूह होता है नेता भी जब मीटिंग करता है तो नेता पहले पूछता रहता है कि कितने लोग इकट्ठा होगी कितने लोग इकट्ठा होगी अगर भीड़ कम होती है तो नेता नहीं आता तब तक नेता तभी आता है जब देख लेता है कि जो ग्राउंड में भीड़ खचाखच भर चुकी है इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो भी चाहता है कि लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के मेरी बात को सुनेंगे इकट्ठा होकर के उस विचारधारा को मैं लोगों के अंदर जब भरूंगा तो वो लोग मुझे चुनेंगे और मेरे मेरा मेरी जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे इसीलिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा और सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा अभी हम लोग वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं ये वर्चुअल मीटिंग इलेक्शन के बाद में या कोरोना की जो महामारी है ये जिस तरह की भी है इसके बाद में हम लोग गांव गांव जाएंगे और हमें गांव-गांव जाना ही पड़ेगा लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा जब लोगों के अंदर एक जैसी विचारधारा होगी इकट्ठा होने की परिकल्पना आप मुसलमानों से सीख सकते हैं मुसलमान डेली पांच टाइम इकट्ठा होता है आप मस्जिद में वो पांच वक्त इकट्ठा होता है और अब जब भी कोई उनको फतवा जारी करना होता है तो वो इकट्ठा हुआ समूह वहां का इमाम एक फतवा जारी कर देता है और पूरी दुनिया में पूरे देश में वो उनका फतवा पह पहुंच जाता है वो पूरे देश में सूचना पहुंच जाती जब हम लोग जगह जगह इकट्ठा होंगे प्रत्येक जिला स्तर पर हम लोग पाँच पाँच सौ हजार हजार लोग एक विचारधारा से जुड़ेंगे तो अगर हमारे किसी व्यक्ति के साथ कोई एट्रोसिटी होगी कोई भी अत्याचार होगा अगर हम एक अपने ग्रुप के माध्यम से अपनी सूचना के माध्यम से अगर लोगों को कहेंगे कि हमको इकट्ठा होना है तो एक हजार लोग दस मिनट के अंदर आधा घंटे के अंदर इकट्ठा होंगे और कोई भी व्यक्ति अत्याचार नहीं कर सकता और अगर एक बार इकट्ठा हो गए तो लोग ये समझ जाएंगे कि ये लोग संगठित हो चुके हैं इन लोगों का संघ मजबूत हो चुका है फिर हमारे लोगों के साथ अत्याचार ही नहीं होगा और इस देश में जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं वो अधिकार हमारे सुरक्षित होंगे हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित होंगे हम सुरक्षित होंगे हम चैन से जिएंगे इस देश में और हमारे अधिकारों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कोई छीन नहीं सकता इसलिए साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जुड़ने की जो संकल्पना है जो इकट्ठा होने की संकल्पना है जितनी जल्दी इस चीज को अपना लेंगे जितनी जल्दी इस विचारधारा को अपना लेंगे उतनी जल्दी आप सुरक्षित हो सकते हैं उतनी जल्दी आपके बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो सकते हैं उतनी जल्दी आपकी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी उतनी जल्दी आपके बच्चों की शिक्षा सुरक्षित हो जाएगी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं जय भीम नम बुद्धाय आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद रेण गच्छामि TAMU <sum> Sing